सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और अगर आपको कोई बोलता है कि आप पागल हो चुके हैं किसी भी काम के प्रति, तो समझ लेना आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ठीक है, उसको ऐसा निगेटिव नहीं, ऐसा पॉजिटिव आप लो। आप मान लो अगर आपको कोई पागल बोले किसी भी काम को लेकर, ना आप समझ लेना आप सक्सेस के रास्ते पर निकल पड़े हैं। क्लास को स्टार्ट करूंगा उसके पहले एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि मंडे को, सोमवार को दोपहर में 2 बजे पहला वीडियो आएगा आप सभी का त्रिकोणमिति का, यानी ट्रिग्नोमेट्री का। और जिसको इसका 0 भी नहीं आता है ना, पूरा बेसिक से आप सभी बोलोगे भैया जो चैप्टर मुझे इतने दिन में समझ तक नहीं आ रहा था, पार्ट 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 कर आपने पूरा चैप्टर कब कंप्लीट करवा दिया पता भी नहीं चला। तो याद रखिएगा, सोमवार से आपको लाइन से 4 से 5 दिन के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है हर एक लड़के को, हर एक मेरे भाई बहन को समझ में आएगा। अगर आप इंटरेस्ट के साथ, कुछ सीखने के इच्छा के साथ देखोगे तब, ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी 9 और 10 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने COVID-19 के बीच लॉकडाउन के दौरान बच्चों को संलग्न करने के लिए मो प्रतिभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मो प्रतिभा शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो राज्य है आपका उड़ीसा, ठीक है। अब ये है क्या, थोड़ा आप ये भी जान लो इसके अंदर क्या है कि बच्चों को हर एक चीज वो सिखाया जाएगा इस स्कीम के अंदर, ताकि वो घर में रहकर ही जो है वो सब जानकारी जो है वो अवेयरनेस अपने आप में सीख पाए। और ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है, आपका उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, और राजधानी तो वो है आपका भुवनेश्वर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सेबी ने पूर्णकालिक सदस्य जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका माधवी पूरी बुज का कार्यकाल बढ़ा दिया है, उसे उन्हें कितने महीने का जो है वो एक्सटेंशन दिया गया है, उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है 6 महीने का। याद रखिएगा आप सभी, माधवी पूरी बुज को जो है वो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। और एक बात, सेबी की अगर बात करूं, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है सेबी के चेयरपर्सन कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, अजय त्यागी। सेबी का जो स्थापना हुआ था, जो गठन हुआ था, वो कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 12 अप्रैल 1992 को सेबी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन अवधि के दौरान सामुदायिक जानवरों को खिलाने के लिए धन आवंटित करने के लिए पेटा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। और ये अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को। कौन है ये, तो भैया ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बिल्कुल फोटो में ही देखकर आप समझ गए होंगे कि बास्केटबॉल के क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलाड़ी अमेरिका का, नाम क्या है इनका, तो सभी को पता है कोबे ब्रांट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी सुन लेते हैं, उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसे हाल ही में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, नाम क्या है, कोबे ब्रांट। और ये किस देश के लिए खेलते हैं, तो अमेरिका के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय एनजीओ ने मातृ और बाल स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने काम के लिए सामाजिक उद्यमिता के लिए $1.5 मिलियन पुरस्कार जो है वो जीता है। आप सभी को पहले आप तो ये क्लियर रखना, स्कॉल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इट्स वर्क इन मेटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ स्पेस, ये अवार्ड किसने जीता है, आपका मैडनल, और ये जीता है आपका आर्मैन ने, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए रूप में मालदीव, जो मालदीव देश है, उनको भारतीय वायुसेना के द्वारा एयरलिफ्ट चिकित्सा और अस्पताल के उपभोग
स्मागरी के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम बताना है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? बहुत सहायता दिया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा मालदीव्स कंट्री के, और उस किस योजना के तहत, किस ऑपरेशन के तहत? तो नाम रख याद रखना आप सभी, ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन संजीवनी, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि विल विथर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध लेखक और गायक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वो जीत चुके हैं? आप सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने अवार्ड जीता है। एक तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम विल विथर्स, जो आपके ब्रिटेन के हैं, और इन्होंने पुरस्कार जीता है आपका ग्रैमी अवार्ड। एग्जाम में ना काफ़ी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी एग्जाम में अगर दोबारा पूछा जाए तो आप सभी क्या बोलेंगे? संगीत से। किससे? म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बना बन गया है कि ग्रैमी अवार्ड किससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उसके पहले बोल दूं, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद फोन के ऊपर ही हर एक एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम, बैंक का या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करते हैं तो एक साल तक के लिए आप हर एक एग्जाम का टेस्ट दे पाओगे एग्जाम से पहले, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और याद रखिएगा, आपको एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कोविड 19 संबंधित प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए सरकार द्वारा गठित अधिकारी प्राप्त समूह का प्रमुख किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा नीति आयोग, उनके जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्हीं को जो है प्रमुख बनाया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के द्वारा गठित संघ का नाम बताना है, और नाम क्या दिया गया है इनके द्वारा? तो उस एसोसिएशन का नाम दिया गया है आपका करुणा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.7 टन चिकित्सा सहायता किस देश को भेजी है? तो मैंने थोड़े देर पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करवाया, कौन देश था वो? मालदीव्स, ऑप्शन नंबर आपका सी। और हाँ, मालदीव्स का कैपिटल क्या है? तो आप बोलेंगे माले। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? रुफिया। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोलह। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के छाया विदेश सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? और तो मैं बता दूं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के ही एक एमपी हैं, एक सांसद है, जिनका नाम है आपका लिसा नंदी, इन्हीं को जो है वो नामित किया गया है। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राजधानी क्या है? तो वो है आपका लंदन, और वहाँ पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं पाउंड स्टर्लिंग। और आप सभी को पता है ना, बहुत सीरियस कंडीशन में है अभी बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कोरोना वायरस से जो है वो लड़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस कंपनी ने मिनटों में परिणाम प्रदर्शित करने के लिए भारत की पहली कोविड 19 होम स्क्रीन टेस्ट किट लॉन्च की है? पहला, ये क्वेश्चन भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो वो है आपका बायोन, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने कोविड 19 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समर्पित परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ भागीदारी यानी डील साइन किया है? और वो है आपका उबेर, उबेर कंपनी, जो गाड़ी वगैरह की मोटर। अगला प्रश्न हमारे सामने, ऑल इंडिया फुटब�ल फेडरेशन ने AFC एशियन कप, यानी यहां पर बात कर रहे हैं फुटबॉल के बारे में, की मेजबानी करने के लिए भारत की बोली को प्रस्तुत की है, यानी 2027 में भारत जो है AFC एशियन कप की जो है वो मेजबानी करने जा रहा है फुटबॉल की। अगला प्रश्न हमारे सामने, पीटर वॉकर, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, खास कर इंग्लैंड के, वह एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, वह क्रिकेट से जुड़े हुए थे, वो भी इंग्लैंड के टीम से खेलते थे ये।
अगला प्रश्न हमारे सामने नैसकॉम के चेयरमैन के रूप में 2020 और 21 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? यूबी प्रवीण राव, ऑप्शन नंबर आपका सी। केशव दुर्गेश के उत्तराधिकारी के रूप में 2020 और 21 के लिए नैसकॉम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नाम क्या है उनका? पीबी और यूबी प्रवीण राव। अगला प्रश्न हमारे सामने है मोहम्मद जिब्रिल, जिनका निधन हो गया है कोरोना वायरस के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद हुआ था, यानी कोरोना वायरस से वो ग्रसित थे, ठीक है, और ये किस देश के पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं? नाम क्या है आपका? मोहम्मद जिब्रिल। तो ये लीबिया के पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका कोरोना वायरस के वजह से मौत हो गई है। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि लीबिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वहाँ का राजधानी कैपिटल क्या है और वहाँ करेंसी क्या है। ये तीन चीज़ आपको लीबिया के बारे में कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है मई के महीने में ना एक पुस्तक लॉन्च की जाएगी जो कोरोना के बारे में बात करती है और लोगों को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए संसाधनों पर पता लगाने का प्रयास करती है। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम जो दिया गया है ना, वो दिया गया है हाउ कंटेजियन वर्क्स, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात मैं आप सभी को बोलूंगा, किताब का नाम तो आपने सुन लिया, आप सभी ना एक मूवी है, एक पिक्चर है, वो देखिएगा अभी। उस पिक्चर का नाम है आपका द कंटेजियन। ये मूवी तो मैंने 2015 में ही देख लिया था और जब जब सोचता हूँ इस मूवी के बारे में, तो ये एक ऐसा वायरस के ऊपर मूवी बनाया गया है, जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा इतने दिन पहले ये मूवी कैसे बन सकता है, जबकि पूरा लगेगा अभी जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं पूरा वर्ल्ड, वो पूरा का पूरा चीज उस मूवी के बारे में दिखाया गया है, जब 2012 में ही रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। आप देखना जरूर मूवी, ये बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा ये मूवी से आपको। अगला प्रश्न हमारे सामने है उस संस्थान का नाम बताइए जिसने स्टार्टअप को कम लागत वाले और पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित करने के लिए प्रेरित किया है, जिसे जीवन लाइट कहा जाता है। उस मूवी उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम दिया गया IIT हैदराबाद से। कहां से बना है? तो ये जो बनेगा वो बनेगा आपका IIT हैदराबाद से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है वित्त वर्ष 2019 और 20 में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? और वो राज्य है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आपका बी। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? इडापड़ी के पलनीस्वामी। राज्यपाल कौन है वहां के? बनवारी लाल पुरोहित। और राजधानी तो वो है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने है रविश कुमार, वो एनडीटीवी इंडिया प्राइम टाइम वाले नहीं, दूसरे रविश कुमार के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इनके बाद की बात कर रहा हूं और उनका नाम है आपका अनुराग श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे टोटल आपके 20 क्वेश्चन 9 और 10 अप्रैल का। और एक बात, मंडे को याद रखिएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखाने वाला हूं, बच्चों को भी समझ में आएगा, ऐसे मैंने पूरे कोर्स को रेडी किया है। और हाँ, इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है ना।